हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। तो अभी ना गाइस, मैं ढूंढ रहा हूँ यार कमिश्नर साहब को। पता नहीं कमिश्नर साहब कहाँ पर चले गए, मुझे उनसे एक बहुत जरूरी काम था। अरे भी सामने तो सुपर हीरो मटेंट खड़े, तो चलो चलकर इन्हीं से पूछता हूँ, इन्हें जरूर पता होगा। अरे सुपर हीरो मटेंट, तुमने कमिश्नर साहब को देखा है क्या? पता नहीं यार कहाँ चले गए, मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। अरे यार फिरो, बहुत देर पहले देखा था लेकिन वो किसी जरूरी काम से बाहर गए। अयो हां, मैंने भी उनको सुबह ही देखा था। अरे फिरो वो सब छोड़, तो मुझे ये बता मेरी पुलिस की ड्रेस कब आएगी। अरे यार सुपर हीरो, तेरी ड्रेस को आने में तो कम से कम 10 दिन और लगेंगे। वो क्या है ना, जो टेलर तेरी ड्रेस सिल रहा था वो अपने फूफा के चाचा के लड़के की शादी में गया। अरे यार लेकिन ये कमिश्नर साहब क्यों कॉल कर रहे हैं, चलो उठाई लेता हूँ। हेलो, हाँ बोलो कमिश्नर सर, क्या हुआ? अरे रो, तुम अपने साथ ऑफिसर मटेंट और ऑफिसर सुपर हीरो को लेके सिटी हॉस्पिटल के बाहर आ जाओ। ओके सर, मैं अभी 5 मिनट में वहाँ पर आता हूँ। अरे क्या हुआ रो फिरो, किसका कॉल था? अरे सुपर हीरो कमिश्नर साहब का कॉल था, उन्होंने कहा सुपर हीरो मटेंट को साथ में लेकर सिटी हॉस्पिटल के बाहर आ जाओ। तो चलो अभी चलकर देखते हैं क्या मामला है। ये सुपर हीरो रो फिरो, रुको मैं अभी आता हूँ तुम्हारे साथ। अरे यार ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए, अभी तक तो इनको आ जाना चाहिए था। और ये मैं पहुँच गया अभी सिटी हॉस्पिटल, देखो कमिश्नर साहब भी यहीं पर खड़े हैं। हाँ बोलो कमिश्नर साहब, क्या हुआ? अरे रो फिरो, सिटी हॉस्पिटल के बारे में तो तुम जानते ही हो, ये हमारे वाइस टाउन का एकमात्र हॉस्पिटल है। जब से कोरोना आया था तब से हॉस्पिटल बंद ही पड़ा है, लेकिन अभी वक्त आ गया है इसे दोबारा से खोलने का। और इसे खोलने में तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। अयो कमिश्नर सर, अगर आप ये हॉस्पिटल खोल लोगे तो हमारे पुलिस स्टेशन को कौन संभालेगा? ये मटेंटी हॉस्पिटल मैं नहीं खोल रहा, बल्कि ये तो हमारी वाइस टाउन की सरकार का ऑर्डर है। हाँ तो सर अभी आप ये बताइए कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अरे फिरो, तुम लोगों को लॉस सेंटोस जाकर डॉक्टर बनवारी लाल को लेकर आना है वाइस टाउन में। और डॉक्टर बनवारी लाल के पास 3 एम्बुलेंस भी है, तुम्हें उन्हें भी यहाँ पर लाना होगा। और उसके बाद हमारा सिटी हॉस्पिटल दोबारा से खुल जाएगा, तो तुम ये काम निपटा दो, अभी मुझे दूसरा केस सॉल्व करने के लिए जाना है। अच्छा अभी मैं चलता हूँ। अरे देखो यार कमिश्नर साहब तो चले गए, लेकिन वो 3 एम्बुलेंस लानी पड़ेगी हम लोगों को। एक एम्बुलेंस सुपर हीरो ले आएगा, एक को ले आएगा मटेंट, लेकिन तीसरी को कौन लाएगा? काम करता हूँ, टिप्सन को भी साथ ले चलता हूँ। सुपर हीरो तुम एक काम करो, जाकर पुलिस की एसयूवी कार लेकर आओ, तब तक मैं टिप्सन को बुला कर लाता हूँ। अरे यार ठीक है रो फिर, अभी लेकर आता हूँ। चल मटेंट, अभी हम दोनों चलकर एसयूवी कार को लेकर आते हैं। अयो रुक जाओ सुपर हीरो, अभी आता हूँ मैं भी। और फाइनली गाइस, अभी मैं मटेंट सुपर हीरो टिप्सन पहुँच चुके हैं लॉस सेंटोस में। अरे रो फिर, तुझे पता है क्या डॉक्टर बनवारी लाल कहाँ रहता है? अरे हाँ भाई, सुपर हीरो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये क्या यार, तुझसे बातें करने के चक्कर में तो गाड़ी ठुक गई। और ये देखो यार, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं डॉक्टर बनवारी लाल के घर पे, और वो देखो बाहर की तरफ में 3 एम्बुलेंस भी खड़ी है। लेकिन रो फिर भाई, यहाँ पर डॉक्टर बनवारी लाल तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे मटेंट वो भी आ जाएगा, चल अभी सिक्योरिटी गार्ड से चलकर पूछता हूँ। अरे भाई साहब, ये डॉक्टर बनवारी लाल कहाँ पर है, जरा उनको बुला दीजिए, उनसे कहिएगा कि वाइस टाउन से रो फिरो ने लेने आया है। अरे हाँ, रो फिरो के बारे में उन्होंने बताया तो था, बस वो थोड़ी देर में आते ही होंगे, तो आपको वेट करना होगा यहीं पर। ठीक है भाई, समझ गया। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा, जब तक कि डॉक्टर बनवारी यहाँ पर नहीं आ जाते। और सुपर हीरो मटेंट और टिप्सन जरा यहाँ पर देखो यार, ये तीनों एम्बुलेंस कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है। रो फिरो यार, ये वाली एम्बुलेंस तो अपनी वाइस टाउन वाली एम्बुलेंस है, तो बहुत ज्यादा अच्छी। वैसे टिप्सन, अब ये तीनों एम्बुलेंस भी अपने वाइस टाउन में ही जाने वाली है, और ये एम्बुलेंस भी अपने वाइस टाउन के ही कहलाएगी अब से। अरे भाई अभी तो रो फिरो शायद आ गया होगा मुझे लेने के लिए, मेरा ट्रांसफर अभी वाइस टाउन में हो चुका है। अरे देखो रो फिरो तो यहाँ पर आ चुका है। अरे तो चलो, अभी ये लोग मेरा काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे, तो मुझे अभी नीचे की तरफ में चलना चाहिए। वैसे वाइस टाउन में मेरी जॉब तो लग चुकी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता यार कि वाइस टाउन आखिर होगा कैसा, वो तो मुझे वाइस टाउन जाकर ही पता लगेगा। तो अभी मैं नीचे की तरफ में आ गया। हेलो रो फिरो, कैसे हो तुम? अरे देखो अभी तो डॉक्टर बनवारी लाल आ चुके हैं। अरे बस डॉक्टर साहब, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, बस आप बताइए। अरे भाई मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन ये एम्बुलेंस कैसी लगी तुमको? अरे डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस तो तीनों की तीनों काफी अच्छी है। अरे तो चलो भाई, अभी वाइस टाउन नहीं चलना क्या? फटाफट से इन एम्बुलेंस को भी अपने वाइस टाउन ले चलने का जुगाड़ करो। अरे हाँ सर, वाइस टाउन तो जरूर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इन लोगों को बता देता हूँ कि इन्हें कौन कौन सी एम्बुलेंस वाइस टाउन लेकर जानी है। हाँ तो सुपर हीरो, अभी तुम सबसे पहले काम करो, ये जो फर्स्ट वाली एम्बुलेंस है इसे लेकर वाइस टाउन के लिए जल्दी से रवाना हो जाओ। अरे हाँ ठीक है रॉपी, समझ गया, लेकिन तुम लोग फटाफट से आगे से हट जाओ, वरना तुमको ही कुचल डालूंगा। अरे हाँ भाई, हम लोग तो अभी हट जाते हैं। तो गाइस अभी तो हम लोग सभी लोग यहाँ से हट चुके हैं, क्योंकि भाई सुपर हीरो का कोई पता नहीं, ये हमें कुचल भी तो सकता है। और अभी सुपर हीरो को मैंने पहले एम्बुलेंस को ड्राइव करने के लिए तो बोल दिया, लेकिन यार कहीं ये इसको ठोक ठाक ना दे। और अभी तक तो एम्बुलेंस को बिल्कुल सही से चला रहा है ये, लेकिन ये क्या यार, इसको कहाँ पर ठोक रहा है तू? अरे फिर इसको ठोका नहीं है, साइड में पार्क किया। चल जल्दी से तेरी गाड़ी को आगे से हटा। अरे हाँ भाई अभी हटाता हूँ यार, तूने तो ऐसे पार्क किया, मुझे तो लगा इसने तो आज ठोक दी एम्बुलेंस। चलो यार अभी फटाफट से अपनी
गाड़ी को साइड में पार्क कर देता हूँ ताकि ये आसानी से इस एम्बुलेंस को यहाँ से निकाल पाए। तो गाइज ये जगह बिल्कुल सही रहेगी पार्किंग के लिए। और ये देखो यार, अभी तो मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर दिया, लेकिन लगता है इस छोटी वाली गाड़ी को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में तो ये भी आएगी ना। सुपर हीरो यार 2 मिनट और रुक जाए, इस वाली कार को भी थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि आसानी से एम्बुलेंस यहाँ से बाहर निकल जाए। और ये देखो यार, अभी तो मैंने इस वाली छोटी कार को भी यहाँ पर पार्क कर दिया। सुपर हीरो अभी तो निकल जाएगी ना तेरी एम्बुलेंस यहाँ से। हाँ यार रोफी, तो पूरा रास्ता ही साफ कर दिया तूने, अब तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। चल अभी मैं इसको लेके जाता हूँ वाइस टाउन। तो अभी इसके लिए मैंने पूरा रास्ता तो यहाँ पर साफ कर दिया, लेकिन यार अब तो ये बिल्कुल आराम से बाहर ले जाना चाहिए इसे। तो चलो एक बार चलकर फिर भी देख लेता हूँ यार, कहीं पर ठोक ठाक दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये देखो अभी तो ये एम्बुलेंस को लेके निकल चुका है वाइस टाउन के लिए। गाइस अभी एक एम्बुलेंस तो रवाना हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी 2 एम्बुलेंस खड़ी है। तो चलो अभी दूसरी एम्बुलेंस को भी रवाना करते हैं। तो भाई टिप्सन अभी तेरी बारी है। हाँ भाई रोफिरो, पता है यार लेकिन मुझे गिरा क्यों रहा है तू, बता मुझे कौन सी एम्बुलेंस लेकर जानी है। तो टिप्सन एक काम कर यार, तू वो जो रेड वाली दिखाई दे रही है ना, तू वो वाली एम्बुलेंस को वाइस टाउन लेकर जा। अच्छा इस रेड वाली एम्बुलेंस को वाइस टाउन लेकर जाना है क्या मुझे? अरे यार रोफिरो ये तो बिल्कुल मेरे कपड़ों से मैच कर रही है। अरे टिप्सन वो सब तो ठीक है, लेकिन यार तुझे एम्बुलेंस बहुत अच्छे से चलानी तो आती है ना। अरे छोटे क्या बात कर रहे हैं, मैं एम्बुलेंस चलाता नहीं बल्कि मैं तो एम्बुलेंस को उड़ाता हूँ यार, मेरे को बहुत अच्छे से एम्बुलेंस चलानी आती है। अरे क्या करने लग गया यार टिप्सन, इसको स्टार्ट करो और यहाँ से आगे ले। अरे हाँ भाई यार रोफिरो ले रहा हूँ यार, कोई सुपर कार थोड़े ना, ये तो एम्बुलेंस है। अबे ये क्या कर दिया टिप्सन तूने? अरे देखो वो छोटी कार जो खड़ी थी उसको ठोक दिया यहाँ पर टिप्सन ने। अरे अब दीवार पे ठोक दिया। अरे तू करना क्या चाह रहा है भाई, तेरे को चलानी नहीं आती क्या एम्बुलेंस? अरे यार रोफिरो मैंने बोला ना यार मुझे एम्बुलेंस बहुत अच्छे से चलानी आती है, मैं तो इसकी मजबूती चेक कर रहा था। अरे ओ टिप्सन तू तो रहने ही दे भाई, ये मजबूती ना अपने वाइस टाउन में चल के चेक कर लेना, अभी तो चुपचाप से इसको वाइस टाउन लेके रवाना हो जा। चल ठीक है रोफिरो, अब मैं इसको वाइस टाउन में ट्राई करूंगा। अच्छा अभी मैं चलता हूँ वाइस टाउन के लिए। तो चलो यार अभी तो टिप्सन भी इसको लेकर आराम से रवाना हो चुका है, बस ये बिल्कुल आराम से भाई वाइस टाउन पहुँच जाना चाहिए। और अभी ना यार यहाँ पर खाली एक ही एम्बुलेंस बची है जिसे तो हमारा मटेंट ही ले जाएगा। तो चलो अभी चलकर मटेंट को बोलता हूँ। हाँ तो मटेंट अभी इस लास्ट वाली एम्बुलेंस को तुझे वाइस टाउन लेकर जाना होगा। अयो पता है रोफिरो भाई, अच्छा अभी मैं चलता हूँ इसको लेकर वाइस टाउन। अरे अभी मुझे इस एम्बुलेंस को इसको बड़े ध्यान से बाहर की तरफ में निकलवाना होगा। भाई मटेंट तुझे तो चलानी आती है ना एम्बुलेंस? अयो रोफिरो भाई मैं टिप्सन दादा की जैसे नहीं हूँ, मैंने तो बहुत बड़े बड़े ट्रक भी चलाए, ये तो एक छोटी सी एम्बुलेंस है। गाइस मटेंट पर तो मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मटेंट काफी अच्छी ड्राइविंग करता है, ये बिना ठोके यहाँ से बाहर ले जाएगा इसे। और ये देखो भाई अभी मटेंट ने बिल्कुल आराम से अपनी एम्बुलेंस को बाहर निकाल लिया और ये लेकर रवाना हो चुका है इसे वाइस टाउन के लिए। तो फाइनली गाइस अभी हमारी सारी एम्बुलेंस जो है वो वाइस टाउन के लिए रवाना हो चुकी है। तो अभी हम लोगों को भी चलना चाहिए वाइस टाउन। तो चलो अभी डॉक्टर बनवारी लाल को लेके चलते हैं अपने वाइस टाउन में। और अब हमारे वाइस टाउन का सिटी हॉस्पिटल भी ओपन हो जाएगा। तो चलो डॉक्टर बनवारी लाल अभी बारी आ चुकी है हमारी भी वाइस टाउन चलने की। अरे हाँ वीरो फिरो चलो भाई चलो, मैं भी वाइस टाउन देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने वाइस टाउन में, लेकिन आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं? आई होप गाइस आप सभी को आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो फटाफट से आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ यार बेल आइकन पे प्रेस करके उसे ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।